बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ये मेरे पास ईयर है, मई जून 2022, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका लास्ट पार्ट है, बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है। अ न्यूक्लियस ऑफ सीज़ियम-137 डिकेज बाय एमिटिंग अ बीटा पार्टिकल टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। द डिके इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये बता दिए डिके की पूरी वैल्यू, और बोल रहे स्टेट द नंबर ऑफ, स्टेट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। सर बीटा पार्टिकल की मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऊपर 0 आता है, नीचे -1 आता है, तो ये 0 हो गया और ये मेरे पास -1 हो गया। इसके बाद क्यू, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो ये 137 का 137 ही रहेगा, और क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ऐड हो गया, तो ये 55 से 56 हो जाएगा। अच्छा, अगले पार्ट में वो बोल रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ द क्लास ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स दैट इंक्लूड्स बीटा नेगेटिव पार्टिकल एंड द एंटी न्यूट्रिनो। तो ये भी जो भी आउटसाइड शेल होते हैं, आउटसाइड न्यूक्लियस वैल्यूज़ होती हैं, ये सब के सब मेरे पास लेप्टॉन कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी मेरे पास एक लेप्टॉन की कैटेगरी में आएगा, ये लेप्टॉन कहलाएंगे, ये लेप्टॉन्स हुआ। अ पार्टिकल वाई हैज़ अ क्वार्क कंपोजिशन ऑफ dvd वेयर d रिप्रेजेंट्स अ डाउन क्वार्क। अ पार्टिकल ही हैज़ अ क्वार्क कंपोजिशन ऑफ ntu d वेयर u ntu रिप्रेजेंट्स एंड एंटी अप एंटी क्वार्क। शो दैट द चार्जेस ऑफ पार्टिकल वाई एंड जी आर इक्वल। अच्छा, d का चार्ज होता है मेरे पास, ये याद करने वाली चीज़ें आई होप ये याद होगी, -1/3e, और इसी तरह जो यू डैश का चार्ज है, दैट इज़ ये इसके ऑपोजिट होता है, जो बच गया वो ये बच जाएगा, तो -2/3e मतलब इलेक्ट्रॉन। अब डी 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 का मतलब क्या है, -1/3e प्लस -1/3e प्लस -1/3e, तो ये ओवरऑल मेरे पास 3/3 बन गया, कि दैट बिकम्स 1-1। ये मेरे पास बनी है पार्टिकल वाई की। अब पार्टिकल जी की यहाँ बनाते हैं, ये इसमें एक एंटी अप है, तो ये बन जाएगा -2/3e प्लस -1/3e, तो ये भी -3/3e बनेगा, तो ये मेरे पास जी भी रह जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन। हैंस प्रूव कि मेरे पास वाई और जी इक्वल हो गए हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन विच पार्टिकल इज़ अ मीज़ोन एंड विच पार्टिकल इज़ अ बैरियन। अच्छा, मीज़ोन कौन सा होता है, बैरियन कौन सा होता है? तो बेटा मीज़ोन वो है जिसमें क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स दोनों आ जाएं, और इसी तरह बैरियन वो होता है जिसमें सिर्फ क्वार्क्स हैं। तो क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स वाला जी है, तो जी हो गया बिकॉज इट कंटेन्स बोथ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। इसके बाद बैरियन्स वो हैं जिनमें सिर्फ क्वार्क्स होते हैं, तो ये वाई हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली क्वार्क्स, तो इसमें यू डैश और डी था, इसमें डी 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 थे, ये इसका आंसर है। थैंक यू।